गुड इवनिंग दोस्तों, आरपीएससी करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 26 अप्रैल 2018 के इम्पोर्टेंट कौन कौन सी न्यूज़ आरपीएससी की प्रस्पत्ति से हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो किससे संबंधित है? राजस्थान महिला आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान महिला आयोग से संबंधित है। क्या न्यूज़ है कि राजस्थान महिला आयोग ने एक इनिशिएटिव शुरू किया और उसका नाम दिया है पिंक बेल्ट मिशन। क्या नाम दिया है? पिंक बेल्ट मिशन। तो ये पिंक बेल्ट मिशन क्या है कि राजस्थान के हर कॉलेज के अंदर जो राजस्थान महिला आयोग हर कॉलेज से 5-5 गर्ल्स छात्राओं का सिलेक्शन करेगा और फिर उनको क्या देगा? डिफेंस, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देगा और उसको क्या नाम देगा? पिंक बेल्ट मिशन। तो अपने को पता होना चाहिए भाई पिंक बेल्ट मिशन की शुरुआत किसने की? राजस्थान महिला आयोग ने कहा राजस्थान के हर कॉलेज और स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम चलाएगा और 5-5 छात्राओं को क्या देगा? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान महिला आयोग के अभी एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? सुमन शर्मा मैडम है। कौन सी मैडम है? सुमन शर्मा मैडम। आपको बताना है कि राजस्थान महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी और राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब हुई और राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? और राजस्थान महिला आयोग संवैधानिक निकाय है या फिर वैधानिक निकाय, ये आपको बताना है। आप लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि भाई स्लाइड उसके अंदर आनी चाहिए हिंदी के अंदर, तो हमने हिंदी के अंदर ही स्लाइड रखी है। ठीक है, कल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी कमेंट बहुत ही कम थे, तो इससे लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा होता है। हाँ, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो अपना सपोर्ट और सहयोग एंड फेथ बनाए रखें। अगले जो न्यूज़ है वो किससे संबंधित है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 5। कौन सी? भारतीय संविधान के अनुसूची 5 और आर्टिकल नंबर कौन सा? 244। कौन सा? आर्टिकल नंबर 244 और अनुसूची नंबर 5। अब ये अनुसूची 5 क्या कहती है कि अनुसूची 5 के अंदर जो क्षेत्र शामिल है, किसके अंदर शामिल है? अनुसूची 5 के अंदर जो क्षेत्र शामिल है उनको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। अनुसूचित 5 के अंदर कितने स्टेट शामिल हैं? अनुसूची 5 के अंदर 10 स्टेट शामिल है। कितने स्टेट शामिल हैं? 10 स्टेट शामिल हैं। कौन कौन से 10 स्टेट शामिल हैं? तो एक तो छत्तीसगढ़ शामिल है। कौन सा? छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 10 हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन फिर ये तेलंगाना भी इसके अंदर शामिल हो गया। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि रिसेंटली हमारे राजस्थान के कौन कौन से, एक तो बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़, इन 3 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनको तो कम्प्लीटली अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके अलावा ये अपना प्रतापगढ़, कौन सा? हाँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके अलावा ये हमारा उदयपुर, कौन सा? उदयपुर। ये हमारा राजसमंद, कौन सा? राजसमंद। इसके अलावा ये पाली, कौन सा? पाली। और इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़ और सिरोही, ये 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा बोलो, एक बार रिपीट करो, उदयपुर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को पार्शियली इसके अंदर शामिल, यानी इनका कुछ क्षेत्र शामिल किया गया। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। और कंप्लीटली कौन से जिले शामिल किए गए अनुसूचित क्षेत्र में? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये टोटल 8 जिले इसके अंदर शामिल किए गए। क्या राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं था? हाँ, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में शामिल था। देखो कब शामिल हुआ था, 1982 में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। फिर इनको ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करने की कहाँ जरूरत पड़ी कि ये पुरानी जनगणना के आधार पर था। तो राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पर और क्षेत्र को एक्सटेंड किया जाए, तो इसलिए फिर इसको दोबारा से रीनोटिफाई किया है। तो अपने को इस 5 अनुसूची के बारे में 2-4 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए तो एक बार अपन देखते हैं कि भाई पहली बात तो ये अनुसूचित क्षेत्र का गठन कौन करता है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है कौन? भारत का प्रेसिडेंट। कौन? भारत का प्रेसिडेंट अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है, किसी भी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या अनुसूचित क्षेत्र से हटाना है तो ये कार्य कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद किसकी भूमिका शामिल हो जाती है? उस क्षेत्र के, उस राज्य के राज्यपाल की। उस क्षेत्र का राज्यपाल क्या करता है कि प्रति साल या फिर जब भी राष्ट्रपति मांगे उन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट देता है।
यानी कि वार्षिक रूप से या फिर जब भी प्रेसिडेंट कहे, यानी कि रामनाथ कोविंद जी कहें कि इसको हमारे कल्याण से जिंदगी हो, तो वो उनको रिपोर्ट वहाँ देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके प्रशासन से संबंधित इसके पैरा भाग में ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जनजाति सलाहकार परिषद ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल TAC का गठन किया जाता है, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है और इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करता है, इसका डिसीजन कौन लेता है, राज्यपाल इसका डिसीजन लेता है, लेकिन इसके जितने मेंबर उसमें 3/4 सदस्य कितने उस राज्य की विधानसभा से के जनजातीय सदस्यों में, यानी कि उस राज्य की विधानसभा के ST सदस्यों में, यदि ST सदस्य इतने नहीं हो कि 3/4 सदस्य हों तो फिर वो अन्य सदस्यों से बढ़े जाएगा, यानी कि MLA से अन्य सदस्यों, लेकिन शुरुआत में कितने 3/4 सदस्य क्या होना चाहिए, उसके अंदर MLA होना चाहिए, क्या होना चाहिए MLA। तो ये अपने जो जनजातीय सलाहकार परिषद उसके बारे में पता होना चाहिए, ये क्या कार्य करेगी, राज्यपाल को परामर्श देगी जनजाति कल्याण से संबंधित, अब इसके अध्यक्ष से संबंधित, इसके सदस्य से संबंधित, इसके सरकारी सदस्य कौन होंगे, ये सारा मैटर कौन देखता है, राज्यपाल देखता है, कौन देखता है, राज्यपाल देखता है, ठीक है, यानी कल्याण सिंह जी देखेंगे। उसकी बैठकों का संचालन भी किसकी, जनजातीय सलाहकार परिषद की, ठीक है, उसके अनुसंगिक मामले कर्मचारी सब के सब देखेंगे। इसके अलावा राज्यपाल के पास स्पेशल पावर होती है अनुसूचित क्षेत्र की, अगर मान लो कल्याण सिंह जी चाहें तो प्रतापगढ़ के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर जो सेंटर संसद कोई बिल पास करती है या विधानसभा कोई बिल पास करती है तो वो बिल के जो नियम है उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, ये पावर इसके पास होती है, गवर्नर जी के पास होती है, गवर्नर इस पावर को कह सकता है कि ये अध्यादेश या ये नियम इस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे या संशोधित कर सकता है उन नियमों को, समझिए, और इन क्षेत्रों से संबंधित कुछ अलग से नियम भी बना सकता है, कौन, गवर्नर, कौन बना सकता है, गवर्नर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है, क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन ये सब नियम बनाने से पहले जनजाति सलाहकार परिषद से सलाह लेना अनिवार्य है, किसको, राज्यपाल, तो अपने से पूछा जा सकता है जनजाति सलाहकार परिषद से सलाह लेना अनिवार्य, अगर उस क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद है तो सलाह लेना अनिवार्य, क्या ऐसे क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद बनाई जा सकती है जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं, हाँ बनाई जा सकती है, तो ये अपने को बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान कितने अनुसूचित क्षेत्र में जिले शामिल किए गए, 8-3 तो पूरे और 5 कौन कौन से पार्शियली, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, 244 नंबर का आर्टिकल ये कहता है और कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, और इसी से पंचायत राजों का एक्सटेंशन के लिए 1996 में कौन सा एक्ट लेकर का है, पैस एक्ट, कौन सा एक्ट, पैसा, तो आपको बताना है कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। अगली जो न्यूज है वो किससे संबंधित है, अगली जो न्यूज है वो जोनल परिषद से संबंधित है, किससे संबंधित है, जोनल परिषद से, अभी इन जोनल परिषदों का गठन कब किया गया, जोनल परिषदों का गठन किया गया 1956 में जोनल परिषद, ये कैसे निकाय हैं, आंचलिक परिषद भी इनको बोलते हैं, ये वैधानिक निकाय, कैसे निकाय, वैधानिक, और राज्यों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इनका गठन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात की भाई इनका चेयरमैन कौन होता है, तो इनका चेयरमैन गृहमंत्री होते हैं, यानी राजनाथ सिंह जी, अब इन जितनी भी आंचलिक परिषद है उनके चेयरमैन हैं, क्षेत्रीय परिषद है, कितने जोन में बांटा गया, तो 5 जोन में, एक तो उत्तरी आंचलिक परिषद, एक मध्य, एक पूर्वी, एक पश्चिमी और एक दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और मध्य। 1972 में एक और आंचलिक परिषद का गठन किया कर दिया गया और उसका नाम था पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद, तो अपने थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान कौन से में आता है, उत्तरी आंचलिक परिषद में, ये राजस्थान कौन, कितने स्टेट आते हैं, तो हरियाणा 1, हिमाचल प्रदेश 2, जम्मू कश्मीर 3, पंजाब 4, राजस्थान 5+1। इसके अलावा मध्य में कौन आता है, बिहार आता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड, उत्तराखंड आता है, तो 4+1 यानी 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी मध्य। पूर्वांचलिक जो 1972 में बने पूर्वोत्तर, उसके अंदर ये सारे जो अपने 7 sister states प्लस में ये सिक्किम, ये इसके अंदर पूर्वोत्तर। पूर्व में कौन कौन आता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 पूर्व में आते हैं। इसके अलावा पश्चिम वाले में कौन आता है, तो ये दादरा नगर हवेली, दमन दीव, और इसके अलावा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी 3 स्टेट आते हैं पश्चिम में। दक्षिणी के अंदर कौन से आते हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल 3 और तमिलनाडु 4 और तेलंगाना 5, तो 5+1। तो सबसे बड़ी पूंछ है तो कौन कौन सी, उत्तरी और दक्षिणी आंचलिक परिषद में 5+1। सबसे छोटी कौन सी, पश्चिमी, पश्चिमी के अंदर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कौन, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। दादरा नगर हवेली कौन से मारे, पश्चिमी के अंदर आ रहे हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। हाँ, पूर्वोत्तर अगर इन सारों में पूछे तो सबसे बड़ी कौन, पूर्वोत्तर। इसके बारे में 2-3 बातें अपने को और पता होनी चाहिए कि भाई इनका अध्यक्ष तो कौन होता है या प्रेसिडेंट कौन होता है, गृहमंत्री, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है जो इसके मुख्यमंत्री होते हैं, जिस स्टेट के
उनमें से हर एक साल के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री इनका उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। किसका? आंचलिक परिषदों का। आंचलिक परिषदों का उपाध्यक्ष रोटेटरी रूप से चुना जाता है। तो आंचलिक परिषदों के जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उस राज्य जो सदस्य राज्य उनका मुख्यमंत्री उनका उपाध्यक्ष होता है, और इसके अलावा दो दो मंत्री हर राज्य से इसमें चुने जाते हैं। आपको बताना है कि आंचलिक परिषद संवैधानिक बॉडी है या वैधानिक बॉडी है। अगली जो न्यूज है वो किससे संबंधित है? अगली जो न्यूज है वो नेशनल न्यूज से संबंधित है। वो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल बायोफार्मेशन की शुरुआत की है, जो दवाइयों का जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया। तो कौन से बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको बताना है कि भाई वर्ल्ड बैंक होता है एक तो, और एक वर्ल्ड बैंक समूह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके अलावा वर्ल्ड बैंक कौन सी एजेंसी इसको लोन दे रही है? तो IBRD इसको लोन दे रही है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये नेशनल बायोफार्मेशन को लोन प्रोवाइड करा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड बैंक की ऐसी कौन सी संस्था है या कौन सी इकाई है जो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा नेशनल बैम्बू मिशन, कौन सा? नेशनल बैम्बू मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अब इसको क्या कर दिया गया? इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक इसको एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा अपन को पता होना चाहिए भाई ट्री कैटेगरी से जो फॉरेस्ट एक्ट था 1927 उसकी ट्री कैटेगरी में पहले शामिल था बैम्बू, तो इसकी खेती करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब क्या है, ट्री कैटेगरी से इसको हटा दिया गया, इसको बैम्बू को 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में इस साल, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। तीन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं हर्म्यू शक्ति, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है हर्म्यू शक्ति, किस किस बीच हो रही है? इंडिया और मलेशिया के बीच में, किस किस के बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? हर्म्यू शक्ति। इसके अलावा अटल इनोवेशन चैलेंज मिशन, ये किसका इनिशिएटिव है? पहले तो किसी मिनिस्टर का इनिशिएटिव नहीं है, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की थी, और उस अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब ATL की स्थापना की गई थी, अटल टिंकरिंग लैब की, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने। अब लेकर क्या आया अटल इनोवेशन चैलेंजिंग मिशन, यानी कि चैलेंज दिया गया, क्या चैलेंज दिया गया कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनोवेशन बढ़ावा देने के लिए, कि भाई जो भी कोई भी अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेकर आएगा उसको 1 करोड़ तक का फंड प्रोवाइड कराएगा, कौन? इंडियन गवर्नमेंट। तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, अपने को पता होना चाहिए, ना कि कोई मिनिस्ट्री का। अटल इनोवेशन मिशन आए, अटल टिंकरिंग लैब आए, या फिर अटल इनोवेशन चैलेंज मिशन। इसके अलावा बाबा कवच, क्या बाबा कवच? ये हमारा बाबा कवच क्या है कि ये जो हमारे बार के इंस्टीट्यूशन है बार्क, ठीक है, बार्क ने एक कवच बनाया है, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसको क्या नाम दिया गया? बाबा कवच। तो ये सैनिकों को किससे बचाएगा? बुलेट से सैनिकों की रक्षा करेगा, और ये कैसा लाइट? तो ये अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि बाबा कवच है क्या। तो बाबा कवच क्या है कि सैनिकों को बुलेट से प्रोटेक्ट करने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिन्होंने था बाबा कवच। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने उन्नत भारत मिशन की शुरुआत भी कर दी है। तो आपको बताना है उन्नत भारत मिशन है किससे संबंधित? उन्नत भारत मिशन है गाँव की जो लाइफ है उसको एनरिच करना है, गाँव की लाइफ को उन्नत बनाना, उससे संबंधित है। उन्नत भारत 2 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्नत भारत मिशन के अंदर, ठीक है, और गाँव की लाइफ को कैसे इनोवेट प्रमोट किया जा सके, गाँव की लाइफ को कैसे उन्नत किया जा सके, उससे संबंधित है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको बतानी है कि उन्नत भारत मिशन की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। आप लोगों का सपोर्ट है वो थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, हाँ, हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा लेक्चर में एरर हो सकती है, बट आपका सपोर्ट और जो सहयोग है उसको बनाए रखें। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड होप सो यू डू इट। थैंक यू सो मच।